हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिनव कुमार, रिसर्च स्कॉलर ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग एएनयूटी अयोध्या से। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ गार्डन्स के बारे में। फीचर ऑफ गार्डन्स क्या होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है और उनका रोल क्या होता है गार्डन के अंदर, और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ गार्डन। गार्डन आर एसेंशियल टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू प्रोवाइड हेल्दी एयर फॉर इनहेबिटेंट्स। दे आर रियली द लंग्स ऑफ सिटीज। गार्डन सर्व टू ब्यूटी द कंट्री। गार्डन आर सेट टू बी द यार्ड स्टिक ऑफ द कल्चर। एन ऑर्नामेंटल गार्डन इज अ प्लेस वेयर प्लांट आर अरेंज इन ए मैनर। प्लांट कैन बी ग्रुप्ड टूगेदर इन वेरियस वेज टू गिव अस्थेटिक इफेक्ट। ईच सच ग्रुपिंग इज कॉल्ड अ फीचर। एनी गार्डन कंप्रोमाइजेज सम ऑफ ऑल of such feature and hence the feature are also called the component of garden. उद्यानों का महत्व। पर्यावरण को बेहतर बनाने और निवासियों के लिए स्वस्थ हवा प्रदान करने के लिए उद्यानों या गार्डनों की आवश्यकता होती है। उद्यान वास्तव में शहर के फेफड़े हैं। उद्यान देश को संवारने का काम करते हैं। उद्यानों को संस्कृति का मापदंड कहा जाता है। एक सजावटी उद्यान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पौधों को ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। सौंदर्य प्रभाव देने के लिए पौधों को विभिन्न तरीकों से एक साथ रखा जा सकता है। ऐसे प्रत्येक समूह को एक फीचर कहा जाता है। किसी भी उद्यान में ऐसी सभी विशेषताएं होती हैं और इसीलिए उन विशेषताओं को उद्यानों का कंपोनेंट भी कहा जाता है या घटक भी कहा जाता है। अधिकांश उद्यानों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या फीचर पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर फाउंड इन मोस्ट ऑफ गार्डन्स आर फेंस, हेज, एज, ड्राइव्स एंड पाथ्स, लॉन, सबरीज, फ्लावर बेड, कारपेट बेड, टॉपरीज, आर्च एंड परगोलास, फर्न हाउस, पॉट गैलरीज, रॉकरीज एंड लास्ट इज सिंगल स्पेसमैन। फर्स्ट पॉइंट इज फेंस। फेंस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री टू प्रिवेंट ट्रेस पासिंग एंड टू इंश्योर प्राइवेसी इन होम गार्डन। फेंस कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय यूजिंग क्लोजली प्लांटेड थॉर्न बीरिंग प्लांट्स, हैज एंड सबरीज और स्ट्रक्चर्स वेयर वुड, बम्बू, वायर नेटिंग एंड चेन्स लाइक आर यूज। वेरियस क्लिंबर्स कैन बी ट्रेंड ओवर द फेंस टू इन्हांस अट्रैक्टिवनेस। फेंस ऑफ वुड एंड बम्बू गेट स्पॉइल्ड क्यूकर देन द वायर फेंसेज। वायर नेटिंग फेंसेज इज चीपर देन चैन लिंकिंग फेंसेज बट इट इज लेस ड्यूरेबल। क्विक ग्रोइंग एंड एलिगेंट सच एज बिगोनिया, रेनुसला, हनी शकर, विरोनिया, एलग्निफोलिया। फेंस को हिंदी में बाण कहते हैं। अतिक्रमण को रोकने और घरों में बगीचों में गोपनीयता सुरक्षित करने के लिए सबसे बाहरी सीमा को बाण कहा जाता है। बाण को बनाने के लिए कांटेदार पौधे, हैजेज और श्रबरीज का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लकड़ी, बांस, तार, जाल और चेन लिंक का उपयोग किया जाता है। आकर्षण को बढ़ाने के लिए बाण पर विभिन्न लताओं को प्रशिक्षित किया जाता है तथा तार की बाण की तुलना में लकड़ी और बांस के बाण जल्दी खराब हो जाते हैं। चेन लिंक बाण की तुलना में तार जाल बाण सस्ती होती है लेकिन ये कम टिकाऊ होती है। ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो शीघ्र बढ़ने वाले और सुंदर होते हैं, जैसे कि बिग्नोनिया, हनी शकर और भी ढेर सारे पौधे हैं जिनको आप फेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज हेज। व्हेन श्रब्स इज प्लांटेड ऑन द बाउंड्री फॉर फेंसिंग इट इज कॉल्ड एज हेज। हेज आर यूजफुल टू डिवाइड द गार्डन इनटू सेक्शन टू द लाइन द डिवाइस सो एज टू डायरेक्ट द विजिटर्स टू अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट। They are sown and grown in the same manner as the fence and plants are pruned at a height of 3 to 4 feet or 30 to 90 centimeter. Examples are Calodendron, Duranta, Lantana camara, Larsonia, Inermis. हमारा जो अगला फीचर है वो है हेज। हेज क्या होता है? जब श्रब्स को फेंसिंग के लिए सीमा पर लगाया जाता है तो इसे हेज कहते हैं। उद्यानों को वर्गों तथा भागों में विभाजित करने के लिए हेज का प्रयोग किया जाता है।
ताकि आगंतुकों मतलब दर्शकों या विजिटर्स को एक केंद्रित वस्तु तक निर्देशित किया जा सके। फेंस की ही तरह इन्हें बोया भी जाता है और उगाया भी जाता है। हैज में प्रयुक्त होने वाले पौधों को 3 से 4 फीट या 30 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कटाई छटाई की जाती है। हेज में प्रयुक्त होने वाले पौधे कैलेडन डॉन डोरेंटा लेंटाना कायमना लार्सिनिया और से बहुत से पौधे होते हैं जिनको हैज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज एज। व्हेन द लो फ्लोइंग प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द बॉर्डर ऑफ प्लॉट दे आर कॉल्ड एज हैच प्लांट्स। दीज आर रो ऑफ प्लांट विच डू नॉट एक्साइड 1 फुट हाइट ओवर 20 to 30 सेंटीमीटर। दे आर ग्रो अलॉन्ग विद पाथ्स एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स। अ गुड एज प्लांट इज सेल्फ सपोर्टिंग टाइट एंड कॉम्पैक्ट। नॉन लिविंग मटेरियल लाइक ब्रिक्स टाइल्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। द एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेथेरा स्पीसीज जस्टिका सनरोज इरसाइन एंड मैनिमोर। नेक्स्ट पॉइंट इज एज। जब कम ऊंचाई वाले पौधों को किसी प्लाट की सीमा पर उगाया जाता है तो उन्हें एज कहा जाता है। एज में पौधों की ऊंचाई 1 फुट या 20 से 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। एज में लगने वाले पौधे पाथ के साथ या फ्लावर बेड के आसपास उगाए जाते हैं। एक अच्छा एज प्लांट सेल्फ सपोर्टिंग सुव्यवस्थित और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ईट टाइल जैसी गैर जीवित सामग्री भी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। एज में प्रयुक्त होने वाले पौधे अल्टरनेंथेरा जस्टिसिया सनरोज आदि होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ड्राइव्स एंड पाथ्स। अ गार्डन ड्राइव लीड टू द हाउस एंड द गैरेज बिसाइड पाथ्स और वॉकिंग लीडिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द गार्डन। The main criterion of a good garden drive or path is to provide a flat, dry and pleasant passage for the person or vehicles. Cobbles, granite, flagstone, brick, concrete or wood material may be used for the construction of drives and paths. Next point जो है हमारा वो है drives and paths. एक garden drive घर और garage की ओर जाती है तथा साथ ही वह बगीचे के विभिन्न भागों तक भी जाती है। एक अच्छा उद्यान ड्राइव या पाथ का मुख्य मापदंड व्यक्तियों या वाहनों को एक शुष्क सपाट और सुखद मार्ग प्रदान करना होता है। ड्राइव और पाथ के निर्माण के लिए ग्रेनाइट कंक्रीट ईट फ्रैगस्टोन या लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज लॉन। अ लॉन इज एन एरिया ऑफ सॉइल कवर्ड लैंड प्लांटेड विद ग्रास and other durable plants such as cover which are maintained at a short height with a lawnmower and used for aesthetic and recreational purpose. In fact, a lawn and a mass of flower beyond it will constitute a garden without any other features. The lawn should be sown only to a single species of grass so as to give a uniform color. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन ग्रास इज साइनोडॉन डक्टाइलॉन। इट प्रिफेयर्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल। इट डज नॉट ग्रो वेल अंडर शेड ऑफ अ ट्री। डाइकोंड्रा रैपेंस अ न्यू टाइप ऑफ अ ग्राउंड कवर दैट हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कैन स्टैंड सन एंड ग्रो वेल अंडर शेड। फेस्टुका इज द क्विक ग्रोइंग एंड फाइनेस्ट ऑफ द लॉन ग्रास। लॉन लॉन मिट्टी से ढकी हुई भूमि का एक क्षेत्र होता है जिसमें घास या अन्य टिकाऊ पौधों को लगाया जाता है, जिसको एक लॉन मूवर के साथ एक ऊंचाई पे बनाए रखा जाता है और इनका सौंदर्य और मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन को केवल एक प्रकार की ही घास से बनाना चाहिए ताकि लॉन का रंग एक समान दिख सके। साइनोडॉन डक्टिडॉन एक आम घास होती है जो अम्लीय मिट्टी में होती है जिसका पीएच 5.5 से 6 होना चाहिए। ये घास पेड़ की छाया में अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है। डाइकोंड्रा रैपेंस एक नए प्रकार का ग्राउंड कवर है जिसे हाल ही में खोजा गया है, जो सूरज की तेज रोशनी में भी आराम से खड़ी हो सकती है और छाया के नीचे अच्छी तरह से बढ़ती है। फेस्टुका लॉन ग्रास तेजी से बढ़ने वाली ग्रास होती है जो एक बहुत ही बेहतरीन घास होती है। पॉइंट 6 सबरीज एंड श्रब बॉर्डर्स। व्हेन द प्लांट आर ग्रोन इन अ रो बट नॉट ट्रिम द फीचर इज कॉल्ड बॉर्डर।
Border are planted to different species of plant, while hedge are generally planted to a single species. Border may be of herbaceous plant, they are called as herbaceous border, or comprises of shrubs, they are called as sub-border or shrubberies. Shrubberies and shrubs border. जब पौधों को एक पंक्ति में उगाया जाता है लेकिन उनकी कटाई छटाई नहीं की जाती है तो जो आकृति प्रदान होती है उसको हम बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर्स पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं लेकिन हैज में एक ही प्रजाति के पौधों को उगाया जाता है। जब बॉर्डर पे हर्बेसियस प्लांट्स को ही उगाया जाता है तो उसको हम हर्बेसियस बॉर्डर कहते हैं, और जब हम बॉर्डर्स पे श्रब्स को या झाड़ी नुमा पौधों को उगाते हैं तो उसको हम सब बॉर्डर या सबरी कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज फ्लावर बेड्स। दीज आर आल्सो नोन एज एनुअल फ्लावर बेड्स एज दे आर प्लांटेड विद एनुअल्स और हर्बेसियस पेरेनियल्स व्हिच आर ट्रीटेड एज एनुअल्स। दे शुड बी प्लांटेड टू अ सिंगल स्पीसीज एंड वैरायटी सो दैट ईच बेड इज ऑफ सिंगल कलर। अ फ्लावर बेड शुड बी बिहाइंड अ लॉन or in the middle or at least should have a strip of lawn in front of it. Example of plant is marigold, zinnia, cosmos, petunia, celosia and many more plants. Flower bed. Flower beds को annual flower beds भी कहा जाता है क्योंकि इसमें annual और herbaceous perennial plants को उगाया जाता है। Flower bed में एक ही प्रजाति और एक ही रंग के फूलों को लगाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक फ्लावर बेड एक कलर की होती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। फ्लावर बेड को लॉन या बीच में लगाना चाहिए या कम से कम लॉन के सामने एक फ्लावर बेड की स्ट्रिप होनी चाहिए जो कि देखने में अच्छी लगती है और लॉन का आकर्षण को भी बढ़ाती है। फ्लावर बेड में मुख्यतः उगाए जाने वाले पौधे मैरीगोल्ड, जीनिया, कॉस्मिस, पेटूनिया और सिलोसिया जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कारपेट बेड। Plant of different color foliage which can be clipped close to the ground are chosen from planting in a intricate design on the ground, such as feature is known as carpet bed. The design may be conventional geometrical ones or map or clock or a sundial. Example plants are Alternanthera species, purple and green color varieties. Carpet bed. अलग अलग रंग के पत्तों के समूह जो जमीन के करीब चिपके होते हैं उन्हें जमीन पर एक जटिल डिजाइन में लगाने के लिए चुना जाता है। इस तरह की आकृति को फ्लावर बेड या कालीन बिस्तर के रूप में जाना जाता है। कारपेट बेड का डिजाइन पारंपरिक ज्यामितीय नक्शे या घड़ी के प्रकार का हो सकता है। कारपेट बेड में यूज करने वाले प्लांट्स अल्टरनेंथेरा स्पीसीज पर्पल और ग्रीन कलर के चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपरीज। टॉपरी इज द हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ट्रिमिंग पेरेनियल प्लांट्स बाय क्लिपिंग द फॉलेज एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड सब श्रब्स टू डेवलप एंड मेंटेन क्लियरली डिफाइंड शेप्स। सर्टेन प्लांट व्हिच कैन स्टैंड सेवरल एंड कांस्टेंट प्रूनिंग एंड व्हिच प्रोसेस स्मॉल फॉलेज एंड रिलेटिवली शॉर्ट इंटरनोड कैन बी ट्रिम्ड इनटू ग्लोब्स, ओवल्स और इन ए फैंसी शेप ऑफ एनिमल एंड एक्सेट्रा। दीज आर जनरली फाउंड इन फॉर्मल गार्डन्स। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स आर डुरंटा, ससबेनिया, इंगाडुलकस, अकेशिया मॉडेस्ट्रा, थूजा, मुराया पेनुकुलाटा एंड मैनी मोर प्लांट आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टॉपरीज। टॉपरीज स्पष्ट रूप से परिभाषित आकृतियों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए पेड़ों, झाड़ियों और वृक्षों की टहनियों को काटकर बारहमासी पौधों को प्रशिक्षित करने का बागवानी अभ्यास को टॉपरी कहते हैं। कुछ पौधे जो लगातार और निरंतर बढ़ते हैं उनकी छटाई करके इनको बनाया जाता है, और जिनमें छोटे पर्ण होते हैं और अपेक्षाकृत कम इंटरनोड वाले पौधों से ग्लोबल, अंडाकार या जानवर के जैसी फैंसी आकृतियों आदि को छटनी करके बनाया जा सकता है। ये आमतौर पर फॉर्मल गार्डन्स में बनाए जाते हैं। टॉपरी बनाने के लिए डोरंटा, ससबेनिया, इंगाडुलकस, अकेशिया मॉडेस्ट्रा, थूजा, मुराया पेनुकुलाटा आदि पौधों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्च एंड परगोलास। आर्च कैन बी सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप्ड एंड आर used to link one part of garden with another part of garden.
Arches are constructed near the gates or over paths. Its provide place is astride a path and its purpose is to support climbing plants. Pergola is a narrow vista consisting of a series of arches connected with climbers, preferably leading to some other interesting feature of a garden. Pergolas are constructed over pathways. Its bring height of the flat plains of a level compound. Examples of plants are bougainvillea, cumulus indica, almenda, trichoma stands, and many more plants. Arch and pergolas. Arch अर्धवृत्ताकार या आयताकार आकार का होता है और इसका उपयोग बगीचे के एक हिस्से को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आर्च को गेट या पाथ के पास बनाया जाता है और इसके बनाने का उचित जगह एक रास्ता होता है। इसका उद्देश्य लता वाले पौधों को सहारा प्रदान करना होता है। अब आती है बात परगोला की, तो परगोला एक पतली आर्च की एक श्रृंखला होती है जो किसी बगीचे की किसी अन्य दिलचस्प विशेषताओं की ओर अग्रसर करती है। परगोलास का निर्माण मार्गों पर किया जाता है और इनमें यूज होने वाले पौधे हैं क्विंक्वेलिस इंडिका, बुगनवेलिया, अलमंडा, टिकोमा स्टेंस आदि पौधों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्न हाउस। प्लांट ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन कैन नॉट बी ग्रोन इन द ओपन इन द प्लेन्स एक्सपोज टू ग्लोरिंग सन। सच सैड लविंग प्लांट्स आर ग्रोन इन स्ट्रक्चर्ड कॉल्ड द फर्न हाउस। इन द सेंटर ऑफ फर्नरी A cemented tub is constructed and is filled with water so as to increase the humidity inside and also facilitating watering to potted plants. The beauty of fernery depends on the proper arrangement of plants like ferns, begonia, anthurium, caladium, diffenbachias, plums, etc. are growing pots and keep on galleries. Small pots with orchid, pilea, etc. are hang from the roof. Fern house. वे पौधे जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों के होते हैं और सूरज की तेज प्रकाश में खुले में नहीं उग सकते हैं, तो इस तरह के छायादार पौधों को एक संरचना में उगाया जाता है जिसे हम फर्न हाउस कहते हैं। फर्नरी के केंद्र में एक सीमेंटेड टब का निर्माण किया जाता है और इसे पानी से भर दिया जाता है ताकि फर्न हाउस के अंदर नमी बनी रहे और पौधों को पानी देने में भी आसानी होती है। फर्नरी की सुंदरता पौधों की उचित व्यवस्था पर निर्भर करती है, जैसे फर्न, बिगोनिया, डेफेनबेचिया, प्लम्स आदि उगाए जाते हैं और पॉट गैलरी पर रखे जाते हैं। फर्न हाउस में छोटे लटकने वाले गमलों में ऑर्किड और पाइलिया जैसे पौधों को छत से लटकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉट गैलरीज। Circular galleries are constructed of masonry and on the step of which potted plants are arranged. The height of each step and pot or the lower step should be the same. The plants grow should be taller than the height of step so that the pots and the masonry structures are both hidden behind plants and present the appearance of a mound of plants. Pot galleries. गोल गैलरी का निर्माण पक्के गमलों से किया जाता है और सीढ़ी में पौधों की व्यवस्था की जाती है। हर पॉट और पॉट की ऊंचाई समान होनी चाहिए, सीढ़ी पर लगने वाले पौधे बढ़ते हुए होने चाहिए और पौधों की ऊंचाई से अधिक ऊंचे होने चाहिए ताकि गमले और सीढ़ी की संरचनाएं दोनों पौधों के पीछे छुपी हों और पौधों को इस तरीके से रखना चाहिए जो एक टीले का स्वरूप प्रस्तुत करते हों। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉकरी और रॉक गार्डन। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉकी सिचुएशन आर ग्रोन इन द गार्डन इज रॉकरी। द रॉकरी इज कंस्ट्रक्टेड बाई कीपिंग अप मैन्योर सॉइल टू अ डिजर्ट हाइट एंड इम्बेंडिंग रॉक्स इन टू इट। द प्लांट आर सेट इन द क्रेविस बिटवीन रॉक्स। इट कैन बी राइज्ड अंडर द ट्री और सेपरेटली। जनरली बोथ फोलेज एंड फ्लावरिंग सप्लेंट एज वेल एज एक्सोरोफाइटीज आर ग्रोन। Example plants are Openita, Aloe, Agave, Coleus, Sassuaria, Brurophyllum and many more. Rockery या rock garden चट्टानीय स्थिति में उगने वाले पौधों को एक विशेष पथरीली स्थान में उगाया जाता है। इस विशेष स्थान को हम rock garden या rockery कहते हैं। इस चट्टान का निर्माण मनचाही मिट्टी को एक वांछित ऊंचाई तक रखने और इसमें चट्टानों को
सतह स्थापित करने के लिए किया जाता है। पौधों को पत्थरों के बीच में आई दरारों में सेट करके उगाया जाता है और इन्हें पेड़ों के नीचे या अलग से उगाया जा सकता है। आमतौर पर पर्ण समूह और फूलदार सकुलेंट्स के साथ साथ जीरोफाइटिस भी उगाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सिंगल स्पेसमैन। स्पेसमैन प्लांट आर प्लांट ग्रोन बाय देमसेल्फ यूजली इन अ लॉन और गार्डन फॉर ऑर्नामेंटल इफेक्ट्स रादर देन बीइंग मैच्ड विद अदर एज आर बेंडिंग प्लांट्स हेज प्लांट्स और एजिंग प्लांट्स। स्पेसमैन प्लांट कैन बी देमसेल्फ एज फोकस पॉइंट इन अ लैंडस्केप डिजाइन। इन एन एक्सटेंसिव लॉन द मोनोटोनी कैन बी broken by single beautiful tree of existing quality without blocking the view of the other feature beyond. Tree like Araucaria, Powder Puff, Bohemia, Bottle Brush are used for such as purpose. Specimen plant. Specimen plant वो plant होते हैं जो स्वतः लगाए जाते हैं और ये पूरे garden के बीचों बीच या किसी अन्य जगह पे लगाया जाता है जहाँ से इसको देखने बहुत ही आकर्षण होता है और यह पूरे गार्डन में सिर्फ एक ही पौधा होता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होता है और आकर्षण का केंद्र होता है। और इसमें स्पेसिमेन प्लांट में जिन पौधों का यूज किया जाता है वो मैक्सिमम ट्रीज को यूज किया जाता है, जैसे एरोक्वेरिया कुकी, पाउडर पफ, पहुनिया, बॉटल ब्रश, ऐसे पौधों को यूज किया जाता है और जिनकी हाइट ऊंची होती है ऐसे ही पौधों को इसमें एज ए स्पेसिमेन प्लांट यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।